नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं BLC आदर्श पब्लिक स्कूल जो कि हनुमान नगर भारत कॉलोनी स्थित है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और आप ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से बेहतर एजुकेशन देने का ये काम करते हैं। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैडम खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। शुभना मैडम आपका। कविता चौधरी। कविता जी, आप ये बताएं कि क्या विशेषताएं आपके स्कूल के जो निरंतर अभिभावक आपके साथ जुड़ा हुआ है। देखो स्कूल की सर, हमारा स्कूल जो है 2020 में ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो स्कूल है, अभिभावक जुड़ने का सबसे मेन कारण है कि स्टडी, इसमें स्टडी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है और हमेशा 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। और कोई विशेषताएं जैसे कि देखिए बच्चों के लिए क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि आपके क्लासरूम है, शिक्षा के लिए ऐसे कैमरे इस तरीके के हैं? अच्छा, जैसे हमारे स्कूल में कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद स्मार्ट क्लासेज हैं, बच्चा कई बार समझ नहीं पाता लेकिन उसको प्रैक्टिकल समझाया जाता है तो अच्छे से समझ जाता है। आपके बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स में आए ऐसा हमने सुना है, क्या है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। इसी साल ही राहुल है 10th क्लास का, जिसने मैथ में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए। चलिए धन्यवाद। हम आपकी क्लासेस में जा सकते हैं क्या? कुछ भी बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आप सीधे तौर पर मैडम आप बताते रहे कौन सी क्लास में चलना है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए BLC आदर्श पब्लिक स्कूल जो कि हनुमान नगर भारत कॉलोनी और खेड़ी रोड स्थित है। रियलिटी चेक एक कार्यक्रम है, उसमें हम सीधे पहुँचे और आपको बात करेंगे, बच्चों से बात कराएंगे, सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और देखिए हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सीधे रूबरू टीचर से बच्चों से सबसे बात करें। बेटा बैठिए, सभी बैठ जाइए। तो बेटा कौन सी क्लास है आपकी? 10th क्लास है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, लड़कियाँ बताएंगी सबसे पहले। बताओ बेटा पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर, खड़े होकर के बताएं या हाथ खड़े करके बताएं। जो पढ़ाई को अच्छा समझता है यहाँ पर वो हाथ खड़े करें। लड़कियाँ सर पढ़ाई अच्छी होती है तो हाथ खड़े करिए बेटा, नहीं होती तो मत करिए बस। अच्छा ये बच्चे नहीं मानते, पढ़ाई अच्छी होती है, बैठ जाइए बेटा। और बच्चों आप बताएं पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? कोई आप चाहते हैं कुछ चेंज करें स्कूल वाले, कुछ चीज़ें पढ़ाने का तरीका चेंज करें, आप चाहते हैं कुछ ऐसा? आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पढ़ाई अच्छी होती रहे। चलिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपने हमें आप सीधे सीधे तौर पर बच्चों को दिखाया। अच्छा मैं आप वो भी देख लेते मैम। देखिए सीधे तौर पर आप जुड़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़े। बेटा कौन सी क्लास है? बैठे बेटा बैठ जाइए। अच्छा आप सभी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है इसमें? हाथ खड़े करके बताएं, सभी हाथ खड़े करें जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है स्कूल की। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें और देखिए इन्होंने बताया कि स्मार्ट क्लासेस हैं यहाँ पर। मैं आप स्मार्ट क्लासेस आपको दिखाने का काम करूँगा, आप ये देखिए कि बच्चे, देखिए बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि देखिए आप दर्शक जितने भी हैं वो दर्शक सभी कार्यक्रम शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें और आपको सबको देखने की और दिखाने की शक्ति मिल सके। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है। बेटा कौन सी क्लास है बच्चों? क्या नाम आपका? काव्या। काव्या पढ़ने में मज़ा आता है? अच्छा स्कूल है, अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोग? चलिए ठीक है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर इनके देखिए शायद म्यूजिक क्लास होगी, ये स्मार्ट क्लास, इनकी स्मार्ट क्लास और म्यूजिक क्लास दोनों है यहाँ पर। कुछ बच्चों की तैयारियाँ कर रहे होंगे, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास है बच्चों? अच्छा तो कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर बताओ, कैसा पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी। चलो कौन सी क्लास पढ़ती हो नैन्सी? सेकंड। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और देखिए काफ़ी पुराना, कब से स्कूल चल रहा है मैडम ये? 2000 से। चलिए 2000 से स्कूल चल रहा है लेकिन कोरोना काल के बाद निरंतर दोबारा जब एक नई उमंग के साथ, नई ताकत के साथ जब स्कूल खोला जाता था, उस संदर्भ में अभी प्रिंसिपल ने हमें बताया। और इनकी दो ब्रांच है, दो ब्रांच है आपकी? हाँ जी, एक ही ब्रांच है, बिल्डिंग दो है, ब्रांच एक ही। चलिए बिल्डिंग दो है, स्कूल एक ही है, लेकिन देखिए जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो अलग अलग दो ब्रांच बना दी जाती हैं, दो बिल्डिंग अलग अलग बना दी। दूसरी बिल्डिंग में हम चल देते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं सीधे सीधे तौर पर। सर आप ही आ जाए,
चलिए मैं ये भी दिखा दूँ पहले, BLC आदर्श पब्लिक स्कूल जो इनका क्लास एक्स टॉपर में टेंथ के टॉपर्स के बच्चों के जो इन्होंने फोटोग्राफ वगैरह लगाए हुए, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हनुमान नगर खीड़ी रोड ग्रेटर फरीदाबाद स्थित है। अच्छा, ये प्राइमरी विंग होगा? नहीं, प्राइमरी विंग नहीं, इधर सीनियर सेकेंडरी बच्चे हैं। अच्छा सर, आपसे सर अब अगर सवाल किया जाए कि नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम जयवीर सिंह चौहान है जी। और नैतिक मूल्य में गिरावट का तो ये है, बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स, शिक्षक, सभी की कमान बच्चे के ऊपर होती है, तो सभी को जब मिलकर काम करते हैं तो बच्चा तभी डेवलप कर पाता है, तो इसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं, सभी को बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए नैतिक मूल्य के बारे में। अच्छा सर, स्कूल आपका कब से चलाया जा रहा है लगातार? स्कूल 2001 से। 2001 से चल रहा है। लगभग कितने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग 1000 बच्चे के शिक्षा देने का कार्य चल रहा है। तो सर आपसे एक सवाल और, मान्यता कहाँ तक आप स्कूल की? 10+2। चलिए आप कुछ क्लासेज और दिखा देते हैं। देखिए सर ने बताया कि 10+2 तक मान्यता, सन 2000 से निरंतर स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में 2020 के बाद एक नई उमंग के साथ स्कूल को नए सिरे से नए तरीके से चलाया गया है। आप देखें कि हालांकि बच्चों का लंच टाइम है, इसलिए हम आपको इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं, और देखिए बच्चों को पता चलना चाहिए, अभिभावकों को पता चलना चाहिए। इमरान खान जी, आप पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है, तो मैं आपको स्कूल के बारे में बता दूं, ये है BLC आदर्श पब्लिक स्कूल है, हनुमान नगर, भारत कॉलोनी, खेड़ी रोड, फरीदाबाद स्थित है। और आप जैसे, मैं अनुरोध करूंगा आप जो दर्शक हैं हमारे, कम से कम वो प्रोग्राम शेयर जरूर करें, जिससे कि अभिभावक को पता चल सके कि किस तरीके से उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है BLC आदर्श पब्लिक स्कूल में। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए ड्रेस कोड, यहाँ पर जो स्कूल स्टाफ है उसका भी ड्रेस कोड है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, देखिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को दिखाने का काम किया है। आप यहाँ भी दिखाएं, ऊपर भी मैडम क्लासेस, चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और देखिए अब हम आपको जो नई बिल्डिंग इनकी है उसके फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलेंगे, अन्य क्लासेस को आपको दिखाएंगे। आप सीधे सीधे बेटा कौन सी क्लास है? 11th क्लास। तो बेटा ये बताएं, पढ़ाई अच्छे से होती है स्कूल में? बेटी आप बताएं कि सुरक्षा के हिसाब से ठीक है लड़कियों के लिए स्कूल? चलिए ठीक। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए हमने आपको क्लासेज की जो बेटियाँ हैं उनसे हमने बात कराई आपको। रियलिटी चेक कार्यक्रम में हम पहुँचे ही हैं। कौन सी क्लास है बच्चों? कोई, बैठो बेटा, बैठो बैठो। लड़की आप बताएं यहाँ पर माहौल कैसा है लड़कियों के लिए, इस स्कूल में लड़कियों के लिए माहौल कैसा है? ठीक है बेटा, सुरक्षा के हिसाब से आपका सही है सभी? और पढ़ने में क्या, पढ़ाने में मतलब स्कूल कैसा है, जो शिक्षा देने का कार्य जो कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है स्कूल के नहीं देता है? तो हाथ खड़े करें जिनको अच्छी लगती है एजुकेशन यहाँ की। आपको नहीं लगती पीछे एजुकेशन अच्छी? चलिए कोई बच्चे हैं, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए हमने ज़्यादातर आपको बच्चों को दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जी, इधर दिखा देना, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर। अच्छा बेटा, सभी लड़कियों का है? अच्छा ये बताएं, सुरक्षा के लिहाज से लड़कियों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी है कि नहीं है? कुछ है, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं आप हमें, किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं स्कूल में आपको? चलिए, और पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा कोई स्कूल के बारे में, कोई एक बच्चा बताना चाहेगा स्कूल के बारे में कुछ कि कैसा स्कूल है तुम्हारा? आजिए बेटा आप यहाँ आइए, इधर खड़े हो बेटा, कैसा स्कूल है आपका, अपना नाम बताएं पहले। माय नेम इज़ पलक, क्लास 9A, और मेरी सिस्टर भी स्कूल से पढ़ के, ये स्कूल बहुत अच्छा है, और उनके 12th में साइंस में आए थे सोमेश्वर, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छे कॉलेज गई है मेरंडा, उसमें
जो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा कॉलेज, में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और वहाँ के जो स्टाफ मेंट है वो भी अच्छा है और ये स्कूल भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी है हमारे लिए और यहाँ के टीचर का बिहेवियर भी अच्छा है, बच्चों का बिहेवियर भी अच्छा है, इसलिए स्कूल बहुत अच्छा है। देखिए इस तरीके से बच्चे को पता होना चाहिए कि उनका स्कूल कैसा है, अगर बच्चे को पता होगा कि उनका स्कूल कैसा है तो कम से कम वो आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को बता पाएंगे कि उनका स्कूल कैसा है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। कौन सी क्लास है बच्चों? 9। तो आप पढ़ाई से संतुष्ट हैं स्कूल की से, मतलब अच्छे से पढ़ाई होती है? चलिए ठीक। कौन सी क्लास है बच्चों? 12। तो स्कूल के बारे में कोई बता सकता है कि कैसा स्कूल है? कोई बच्चा बताओ, कोई कमियां बताना चाहे तो भी आगे आ सकता है बच्चा, अगर स्कूल में कुछ कमियां हैं अगर वो कोई बताना चाहे तो आगे आ सकता है, अगर अच्छाई है तो वो भी बता दे, कोई कोई बच्चा आप बताना चाहे, जो बच्चा अपनी मर्जी से बताना चाहे आ जाओ। चलिए कोई नहीं, बच्चे कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, कोई बात नहीं। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और देखिए इस तरीके का हमें आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए जिससे कि अभिभावक को पता चले कि उनके स्कूल के बच्चे कैसे हैं, उनके क्लासेस में किस तरीके से उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आइए आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर हैं। अच्छा आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया ये प्रोग्राम शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उनके बच्चे इस स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाता है और पेरेंट्स को कम से कम पता चले और दूसरा अन्य स्कूलों के लिए एक नज़ीर बने कि देखिए स्कूलों में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और किस तरीके की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है और इनकी परमानेंट मान्यता, जैसे कि इनका खुद का कहना है।